आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मनोहर पर्रिकर के बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रक्रिया शुरू। सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट। सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, तीर्थ स्थलों से बढ़ती है भारतीय एकता। कर्नाटक में कोविड प्रतिबंधों में ढील को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज, टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 3,85,00,000 के पार। ओमिक्रॉन के 9,692 मामले आए सामने। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर बस्ती से है, जहां लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जनपद में 98.2% कोविड का टीका जनपद वासियों को लगा दिया गया है, जिसकी जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में 98.2% लोगों को ही टीकाकरण हो पाया है। 1.8% लोग जो बचे हैं, इसमें गर्भवती महिलाएं और भयंकर बीमार लोग हैं, उनको डॉक्टर की सलाह पर कोविड का टीकाकरण लगवाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारी, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया है, जिलाधिकारी बस्ती उन लोगों को भी बधाई दी है। जनपद बस्ती में अभी तक 98.2% जो है फर्स्ट डोज का टीकाकरण हो गया है। अब जो हमारा शेष लगभग 1.8% बचा हुआ है, उसके लिए सारे गांव में नई ड्यू लिस्ट तैयार करवा ली गई है नए सिरे से, और सबको जो है आज फील्ड में सब लोग निकले हुए हैं। अगर कोई रेजिस्टेंट है, कोई किसी को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है टीका लगवाने के लिए, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे हमारे राजस्व के अधिकारी और पुलिस भी अधिकारी भी रहेंगे, जिससे कि हम लोग किसी का अगर कोई अनुचित डर या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता राकेश टिकैत भाटी का टिकट कटने पर मौजूदा प्रत्याशी का विरोध जताया। साथ ही कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ लोगों ने बीच में पैसे लेकर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करके मेरा टिकट कटवा कर सलीम अख्तर को टिकट दे दिया है। उसका ना कोई जनता से जनाधार है, ना जमीनी स्तर पर कोई कार्य, और मैंने वर्षों से जनता के बीच जाकर उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। राकेश भाटी ने कहा, मैं कमान से ये कहना चाहता हूँ कि सच्चा कांग्रेसी मैं हूँ, वो नहीं। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और जनता के बीच उनके मुद्दों को हल करूंगा। ये जो यहाँ कुछ गंदगी आ गई है हमारे संगठन में बाहर से, उन लोगों का धंधा है, उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले कि जो जिससे वो कुछ पैसे उतारे और ऊपर से गुमराह करके पार्टी से हमारे नेतृत्व को वो ऐसा कर। मेरे साथ यही हुआ है, कुछ लोगों ने पैसा लेके एक ऐसे बाहर के आदमी को, जिसका कोई जनता में कोई जनाधार नहीं है, उसने एक 10 साल पहले 2012 में एक चुनाव लड़ा था बसपा से, जिसमें उसकी 45,000 वोट आई थी, वो बसपा की वोट थी, बेशक वो दूसरे नंबर पर रहा था, 10 साल पूरा कहीं क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिया, उसका कोई जनाधार नहीं। वो पैसे लेके पहुंचा किसी ने और उसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा नेता करके हमारे नेतृत्व के सामने पेश किया गया और कहा कि ये तो बहुत बड़ा नेता है और ये करके हमारे नेतृत्व को गुमराह किया गया। कुछ बीच में हुआ है, हमारा नेतृत्व गुमराह हुआ है, और जिस दिन असलियत का पता चलेगा उस दिन उन लोगों की। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में अब एक के बाद एक ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के सुर देखने को मिल रहे हैं। जहां 2022 विधानसभा चुनाव की घंटी बजते ही ग्रामीणों ने गांव में विकास नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए हैं। ग्रामीणों ने तो बैनर में यह तक लिखवा दिया है कि अगर प्रत्याशी गाँव में घुसा तो कुछ भी हो सकता है। बता दें कि गाँव में सड़क नाली खड़ंजा अन्य सुविधा न होने की वजह से ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। देखने वाली बात अब तक की ये होगी कि आखिर कौन इन ग्रामीणों की समस्याओं को हल कराएगा।
हमारा एक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, जिससे हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सड़क की समस्या है गांव में, गलियों और गलियों की जो समस्या है, जो दुर्दशा है, हम यहां पर एक नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा विरोध सरकार तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे यहाँ की सुनवाई नहीं हो सकती है। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन इसी बात पर है कि हमारे यहाँ 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। गलियाँ गांव की बिल्कुल कीचड़ से पटी हुई हैं और मेन रास्ता है कच्चा है वो, और वो बरसात के दिनों में गड्ढों से भर जाता है, पानी से कीचड़ से भरा हुआ है। हमारे ग्राम प्रधान से लेकर के और आप विधायक तक चले जाइए, सांसद जी तक चले जाइए, तमाम हमारी जो है शिकायतें पहुंची, लेकिन हमारे इस मेन रोड का जो प्रतापपुर से लेकर के हमारा जसराना तक जॉइंट होता है, यानी कि फतेहपुरा तक तो मेन है ही है, वहाँ आज तक इसकी जो है 15 सालों में सुनवाई नहीं हुई। अतः हम लोगों ने अब मजबूरन वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी महिलाएं इसमें सम्मिलित हैं, सभी पुरुष सम्मिलित हैं, अतः मजबूरी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बालिकाएं बाहरी स्कूल में नहीं जा सकती, अतः हम जो है साहब मजबूर होकर के इस। खबर फरीदाबाद से है, जहां घरेलू विवाद के चलते 56 साल के एक व्यक्ति की उसकी बहू ने बीती रात अपने गले काट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। घटना बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास है, बसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है। हत्या करने के आरोपी मृतक की बहू और उसके प्रेमी का नाम आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी रखवा दिया है और क्राइम ब्रांच और पुलिस की अन्य टीमों ने हत्या आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुझे ये पता, शाम को जो ड्यूटी गया था, बस ड्यूटी से शाम को गया था मैं। अभी सुबह सुबह मेरी लड़की का फ़ोन आया कि पापा जी ऐसे जल्दी आ रहे हो आप, और दादाजी के किसी ने चक्कू को सर मार दिया, उनकी डेथ हो गई। भाई इतनी मेरी से बात हुई है, मैं सीधा आके घर पर देखा था। क्या था, कौन मार के गया ये तो इसके जी मेरे को कुछ जानकारी नहीं है कि क्या फ़ोन आया रात को 11 बजे 12 बजे में तक कंपनी में। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना किसी से, बहरे की आगे हमारे पिताजी को मारता है। बहू कहाँ है भाई? बहू की वाइफ की भी पता नहीं जी, इस टाइम कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कहाँ गई है, कहाँ कोई फोन वगैरह है उसके पास? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, फोन भी ला रहा, फोन ही नहीं मिल रहा, फोन तो है ही नहीं। फोन सुबह सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पे तुरंत हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ देखने पे FSL टीम बुलाई है, देखने पे गनशॉट लग रहा है और इनके जो बेटे की बहू है आपस में डिस्प्यूट रहता था इनका, और वो गायब है, भगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी, डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी है। फिलहाल पुलिस मतलब परिजनों के क्या बयान है कि बहू ने मारा है या किसी और के? हाँ, बहू का ऐसा कहे इनको कि बहू ने किसी से मरवाया है या कोई ना प्लांट तरीके से मारा है। अच्छा, तो बहू अभी गायब है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर रामगढ़ ताल पुलिस ने गश्त के दौरान मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो संबल और लोहा की राड और प्लास के माध्यम से दुकानों का शटर काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इनके पास से शटर काटने में इस्तेमाल सामान और भारी मात्रा में सोने के गहने और तमंचा बरामद किया है। गिरफ्तार शातिर चोर फर्जीपुर रहमान के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर बरामद की है। वही दूसरा शातिर चोर राजकुमार शर्मा बलरामपुर का रहने वाला है। आज सुबह जो है रामगढ़ ताल की टीम जो है वहाँ से दो लोगों को गिरफ्तार किया, हफीजुर रहमान और राजकुमार शर्मा। सुबह 4:30 बजे इनको गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आज़ाद चौक पर पूजा ज्वेलर्स के दुकान से नकब लगा के चोरी करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से हफीजुर रहमान के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 1 अदद खोखा और 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और राजकुमार शर्मा के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस और पीले धातु के 5 अदद टॉप्स बरामद किए गए हैं। और हफीजुर रहमान के पास से पीले धातु का हार और लॉकेट भी बरामद किया गया है। इनका कोई अपराधी इतिहास नहीं, ये लोग जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं और मुकदमा अपराध संख्या 33/22, 34/22 और 35/22, ये 3 मुकदमा इसमें खुल रहा है। और प्रभारी निरीक्षक की टीम और उनके 5 साथी जो हैं, इन्होंने अच्छा कार्य किया है और एक बड़ी घटना को होने से रोका। नहीं, इसके साथ और कोई संबंध नहीं। इनाम भी कुछ दिया जाएगा टीम को? देखिए टीम को इनाम। कानपुर में
बेकनगंज थाना क्षेत्र के मार्केट में 17 जनवरी को कपड़े की दुकान से 9 लाख रुपए की चोरी हुई थी। दुकान मालिक मोहम्मद असरार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने महज 48 घंटे में ही चोरी की वारदात का अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके पास से 8,84,000 रुपए बरामद किए हैं। असरार अहमद की दुकान है, इसमें 16 और 17 की जो रात है उसमें चोरी हुई थी। इनके द्वारा जब सुबह बताया गया कि इनके जो कैश रखा हुआ था, जो दिन भर का जो कलेक्ट होने के बाद, कि वो जब सुबह वापस दुकान पे गए तो वो नहीं मिला, तो थाना पुलिस गई, उन्होंने तत्काल FIR एक पंजीकृत कराई गई इसमें। और चूँकि इसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि जो दुकान के ताले वो लगे हुए थे, तो उनको भी एक थोड़ा शक था कि हो सकता कोई इनसाइडर ही इसमें जॉब हो, तो हमने भी उसी पहलू से ही जाँच प्रारंभ करी। और इसमें उन्हीं का एक सेल्समैन है जिसका नाम सारिक अली है, वो निकल के आया। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपनी ये चोरी कैसे करी उसने कबूला भी। और जो व्यापारी हैं उनके द्वारा बताया गया था कि लगभग 9 लाख रुपए के आसपास उनका जो पैसा था वो गया था, जिसमें से 8,84,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं सारिक अली के पास से, जो उनका सेल्समैन है। और जो उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इसने चोरी की जो वजह थी, घर में तंगी थी, कई दो तीन भाई हैं, इसमें एक भाई की शादी भी करनी थी, इस वजह से चोरी करी है। तो इसमें अच्छी एक सफलता है बेकनगंज पुलिस को हमारी तरफ से और CP सर की तरफ से, जो टीम जिसमें। खबर देवरिया से है, जहां विधानसभा चुनाव के चलते वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बरियारपुर थाना क्षेत्र के करौदी बैरियर के पास बरियारपुर इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 20,30,000 नगद बरामद किए, पैसे बरामद कर आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और थानाध्यक्ष बरियारपुर द्वारा की जा रही संयुक्त चेकिंग के दौरान करौंदी बैरियर पर चेकिंग में एक व्यक्ति से 20,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। इस संबंध में फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा तथा संबंधित परगना मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जांच पड़ताल करके नियमानुसार। खबर दिल्ली से सटे फरीदाबाद से है, जहां के जबुआ कॉलोनी में स्थित एक परचून की दुकान में चल रहे अवैध रूप से शराब के ठेके का ना तो खुलने का कोई समय है और ना ही बंद होने का। यहां पर परचून की दुकान में ना केवल अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, लोगों को ऑनलाइन सट्टा भी खिलवाया जा रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के मामले में जब थाना डबुआ SHO से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और आश्वासन दिया कि वही इस मामले में कार्रवाई अवश्य करेंगे और अपने इलाके में कहीं भी कोई अवैध काम नहीं होने देंगे। यह मारते छोटे छोटे बच्चे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, खुलेआम दारू बिकता है, वहाँ पे सट्टा खेला जाता है और बच्चे इतने, हम तो वहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे इनके, तो बहुत बुरे राग चल रहे हैं, हमारा वहाँ रहने को बिल्कुल भी मन नहीं है। तो सरेआम दारू बिक रही है, क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस की, वो पुलिस आती है वहाँ पैसे ले लेके जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती वहाँ। तो क्या कहेंगे, कितने समय से चल रहा है ये मामला सर? ये तो हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, हम तो खुद दुखी हो गए वहाँ। ये दुर्गा मंदिर वाली गली है, बहुत बुरा है वहाँ पे, तो रहने का मन भी नहीं करता, बहुत बुरा है वहाँ पे। मनीष है वो जो दारू बेचता है, एक और मोटा सा है, वो भी सारे ही लोग ऐसे महफिल जमा देते हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद कोटला रोड पर स्थित फल सब्जी मंडी में अचानक किसी कारण से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लगभग 10,20,000 रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची थाना उत्तरी पुलिस फोर्स व फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने लगभग एक घंटे में आग पर काबू पाया। तो वहीं फल दुकानदारों का कहना है कि लगभग 2 या 3 साल पहले भी आग लग गई थी और आज फिर 7 से 8 दुकानों में लगभग आग लग गई है। इसका कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि आग जानबूझ कर लगाई जाती है। आज से तीन से चार साल पहले यहाँ आग लगी थी, ऐसी इसी तरीके से सर्दियों में आग लगती है, पता नहीं क्या हुआ, पहले तो तार का बहाना हो गया था, अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये हमारे 3-4 लोग हैं यहाँ पर, उनकी दुकानों में सारी में आग लगी है, बिल्कुल सब नामेट हो गया। कितने रुपए का नुकसान लगा? हर किसी की दुकान में 2-2.5 लाख रुपए का माल था, हमारा आज ही माल उतरा था, 2-3 लाख रुपए का माल हमारा भी था। प्रशासनिक कोई अधिकारी आए यहाँ? आए हुए तो सब हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, ना कोई कुछ देख रहा है, ना कोई कंसेशन निकल लिया इसका, अभी कैसे आग लगी, क्या है क्या नहीं है,
हम इसकी जांच चाहते हैं कैसे क्या मतलब आग लगती क्यों है ये। कितनी दुकानों में आग लगभग लगी है? 5 दुकानों में। सात नुकसान बताया जा रहा है अभी तक? नुकसान समथिंग मान के चलो 20 लाख रुपए का। ये मंडी होटल है, कल मंडी थी, उसमें सर्विस से आग लग गई थी जिसमें फायर सर्विस की 4 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए पहुँची हैं और आज तक पूरी तरह से बुझा दिया गया। कितनी देर में बुझा दिया गया है सर? कितना टाइम लगा आने में? लगभग 1 घंटा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और अब पूरी तरीके से आग चल, इसमें कोई जनहानि नहीं। खबर मऊ से है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दो गुटों में बट गए हैं। मोहम्मदबाद गोहना के प्रत्याशी बनवारी लाल का एक गुट के तरफ से जमकर विरोध किया जा रहा है। रानीपुर ब्लॉक में बैठक के दौरान कांग्रेस के नेता ने एक दूसरे को गालियां दी हैं, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल को टिकट मिलने के बाद से ही जमकर हंगामा हो रहा है। कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम मोहम्मदाबाद विधानसभा 355 में आए हैं, जो कांग्रेस द्वारा विधानसभा गोहना में जो बनवारी लाल को टिकट घोषणा हुआ है, इस पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ आक्रोश जताया है। इस पे पूछते हैं इनका क्या राय है और क्या जानना। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सोनकर है, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ और इस विधानसभा से मैं विधानसभा के टिकट के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में मैं काम किया हूँ। जगह जगह देखा जा रहा है कि बनवारी लाल को लोग आक्रोश दिखा रहे हैं कि बनवारी लाल को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सही है कि बनवारी लाल को जो जनता ने देना चाहा वो 4 बार 5 बार दे चुकी है, कफन से लेकर के वोट से लेकर के सारे चीज़ बनवारी लाल को दे दिया गया है। अब बनवारी लाल बूढ़े बैल हो गए हैं, बनवारी लाल को जनता लाइक नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है तो सभी कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या, जो लोगों ने टिकट दिया क्या वो अंधभक्त थे कि बनवारी लाल को टिकट दिया गया? मोहम्मदाबाद में ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो अच्छे चल बढ़ करके काम कर रहे हैं, पार्टी में पार्टी को आगे कर रहे हैं, रातों दिन काम कर रहे हैं, ऐसे चेहरों को टिकट देना चाहिए, तो बनवारी लाल को क्यों टिकट दे दिया गया? इससे काफ़ी जनता में आक्रोश है। इसमें देखा जाए कि रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत एक समीक्षक बैठक की गई थी, उसमें जो हंगामा हो गया, इस पर क्या कहेंगे जो बनवारी लाल को? देखिए, हंगामा तो अभी नहीं, हंगामा तो बहुत अभी होना है, चूँकि बनवारी लाल का क्रेज एकदम ख़त्म हो गया है जनता से, और जब जनता में क्रेज ख़त्म हो गया है तो हंगामा होगा ही, अगर हंगामा होगा नहीं तो कांग्रेस पार्टी का टिकट बदलेंगे नहीं, और जब बदलेंगे नहीं तो 24,000 की जगह 4,000 आ जाएगा, तो इसलिए तो हंगामा होगा ही, क्योंकि बहन प्रियंका गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी की नींव खड़ी कर दी, कांग्रेस पार्टी को जितना जनाधार उन्होंने बढ़ा दिया और कांग्रेस पार्टी के हर विधानसभा में 10,000 कार्यकर्ता उनके नाम पर चल दिए, तो जो वो तो चली दिए, बाकी जो यहाँ के प्रत्याशी गढ़ रहे हैं वो काफ़ी मेहनत करके और लोगों को जोड़े हैं, संख्या भारी हुई और ये मानकर चलते थे कि इस बार जनपद में हम लोग। जनपद प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर लालगंज कोतवाली के आईटीबीपी के जवानों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं क्षेत्रीय लोगों से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करने की अपील भी की है। बता दें कि क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ड्रोन कैमरे से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अपराधियों के घर को चिन्हित कर उनके परिजनों को कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। साथ ही साथ लोगों को आश्वासन दिया गया कि यदि आपको कोई किसी भी तरीके का प्रलोभन देता है तो तत्काल प्रभाव से पुलिस से अवगत कराए। तो यह थी उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।